उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर जनपद में एक प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज कराने आई युवती के साथ वार्ड बॉय द्वारा छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पीड़ित युवती के परिजनों द्वारा जब इसकी शिकायत डॉक्टर से की गई तो नर्सिंग होम में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया, जिसमें ये पूरी घटना कैद हुई, जिसके बाद पीड़ित परिवार द्वारा इस बारे में संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है, जिस पर पुलिस ने इस मामले में शिकायत के आधार पर तुरंत मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए। दरअसल घटना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र स्थित डॉक्टर जीबी गौतम डायबिटीज सेंटर नर्सिंग होम की है, जहां डेंगू बुखार से पीड़ित एक 22 वर्षीय युवती गुरुवार को अस्पताल में भर्ती थी। इलाज के दौरान गुरुवार की रात को ही अस्पताल के वार्ड बॉय सोएब ने युवती के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दे डाला, जिसके बाद सुबह होने पर जब युवती के परिजनों द्वारा इसकी शिकायत डॉक्टर से की गई तो अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया, तो वहीं वार्ड बॉय की ये घिनौनी करतूत कैमरे के सामने कैद पाई गई। इसके बाद युवती के परिजनों द्वारा इसकी शिकायत नई मंडी कोतवाली में की गई, जिस पर पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तुरंत मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किए। अधिक जानकारी देते हुए सीओ नई मंडी हेमंत कुमार ने कहा कि नई मंडी में अस्पताल का मामला है, जिसका नाम डीबी हॉस्पिटल है, तो वहाँ एक लड़की अपना इलाज कराने के लिए आई थी। वहां पर वो एडमिट थी तो डॉक्टर साहब के जाने के बाद वार्ड बॉय जिसका नाम सोएब है उसके द्वारा उस युवती से छेड़छाड़ की गई। इस संबंध में उस लड़की के द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई है। एक निजी हॉस्पिटल में युवती से छेड़छाड़ का मामला है सर, क्या पूरा मामला? थाना नई मंडी में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है डीबी गौतम हॉस्पिटल, उसमें एक लड़की अपना इलाज कराने के लिए आई थी। रात में वहां पर वो एडमिट थी। डॉक्टर साहब के जाने के बाद वहां के कंपाउंडर जिसका नाम है शोएब सनब इरशाद उसके द्वारा उस लड़की के साथ छेड़खानी की गई। इस संदर्भ में उस लड़की द्वारा शिकायत करी गई है। इस संबंध में हमारे द्वारा थाना नई मंडी में एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई जारी है। वहीं इस बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए नर्सिंग होम के डॉक्टर डीबी गौतम ने भी मामले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि जो गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए। परसों रात का हमारी एक पेशेंट भर्ती थी डेंगू की, लड़की थी 22 साल की, तो जब रात के करीब एक करीब जब सोई हुई थी, एक तो पेशेंट वैसे ही कमज़ोर से आते हैं, उल्टी करते हुए आते हैं, कमज़ोर होते हैं, कुछ दवाइयों का सर, तो हमने नींद में थी लड़की। तो जो हमारा नाइट ड्यूटी में कंपाउंडर रहता है उसने ये हरकत करी है, उसने जो है लड़की को छेड़ा है। फिर जब मैंने उसमें देखा वीडियो फुटेज में, तो सुबह उसकी मम्मी ने शिकायत की कि ऐसी से बात हुई है। मैंने कहा चलो चेक कर लेते हैं, तो उसमें हमने जब देखा वीडियो फुटेज में, तो उसमें दिखाई दे रहा है साफ कि वो सोती हुई लड़की को लड़की के कमर पे और पैर पे हाथ फेरते हुए दिख रहा है। हालांकि उसने चादर ओढ़ रखी है, चादर के नीचे हाथ है, लेकिन वो मंशा तो गलत है ही है। पहली बात है कि लड़की के पास जाके बैठा क्यों? क्या मतलब तुम्हारा बेड अलग है, पेशेंट का बेड अलग है? तो ये हाँ जी, क्या नाम था लड़के? इस लड़के का नाम है शोएब, और ये लड़का भी नया था, अभी रखा था हमने 2 महीने पहले। हमें स्टाफ की जरूरत थी, कोई मिल नहीं रहा था। किस पोस्ट पे था यहाँ? ये तो वैसे ही हेल्पर। जो पीड़ित थे वे कहाँ के थे, कब एडमिट हुए थे आपके पास? ये पीड़ित तो यही लोकल के ही हैं, और ये मेरे पास भर्ती हुए थे 2 दिन पहले। नाम क्या था? लड़की का नाम गुंजन। गुंजन नाम। तो आपने इसकी शिकायत क्या थाने में? नहीं, शिकायत मैंने नहीं करी। मैं तो उसकी जो मदर थी वो आई थी मेरे पास, उन्होंने मुझसे शिकायत की थी कि जैसा ऐसा ऐसा हुआ है, तो मैंने बुलवा के लड़के को पूछा, तो पहले तो मना करता रहा, लेकिन जब वो दिखाया फुटेज में सीसीटीवी में, तो ही एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक। देखिए, बात समुदाय की नहीं, चाहे एक समुदाय का हो या 2 समुदाय का, गलत काम तो गलत ही है। क्या नाम था कंपाउंडर का? शोएब। हाँ, कहाँ का रहने वाला था? ये पास में गांव है साहली। तो गलत काम तो गलत ही है भैया, चाहे एक ही समुदाय का हो। मुकदमा दर्ज हुआ इसमें? हाँ, मुकदमा दर्ज हो गया है। कल आए थे इंस्पेक्टर साहब, वो पूरी इंक्वायरी तहकीकात करके गए हैं, FIR लॉज हो गई है, कार्रवाई भी शुरू हो गई है। मामला कब का था? हैं, मामला कब का था? ये परसों रात का। ठीक। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।